प्रवेश करना संभव नहीं होता है। हाँ, अनुशीलन हो सकता है, बच्चा जैसे पढ़ना नहीं चाहता है लेकिन कोशिश करता है, मैया डांटेंगे तो किताब लेके बैठा रहता है। तो ऐसा ही पहले तो शुद्ध बुद्धि होनी चाहिए, जिस बुद्धि में सिर्फ भगवत प्राप्ति जीवन का एकमात्र उद्देश्य हो, और कोई उद्देश्य नहीं, और कोई वस्तु पदार्थ के प्रति हमारे किंचित इच्छा नहीं, रुचि नहीं, ऐसे होनी चाहिए, यह शुद्ध बुद्धि। द्वितीय आत्मनंग नियम में चो मन तो भक्त है, इसको नियमित करने का चेष्टा, संयमित करने का चेष्टा, ये तो भक्त है, भागेगा, ये तो स्वभाव है, लेकिन हम ना भागे उसके पीछे। विषय वस्तु पदार्थ के प्रति हमारे जो आवेश है, सबके लिए नहीं, जो वहाँ पहुँच चुके हैं, जो वो भगवत अनुभव प्राप्त कर चुके हैं, उनके लिए ये शब्द है नहीं। ये तो है हमारे जैसे प्राथमिक अवस्था में जो साधक भजन कर रहे हैं, जो वहाँ पहुँचना चाहते हैं, उनको इस विषय में थोड़ा सा दिग्दर्शन करने के लिए आलोचना किया जा रहा है। जीति आत्मनंग नियम में शब्दाधीन विषय त्यक्ता, हम संक्षेप कहते हैं शब्दाधीन, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इसका जो विषय, शब्द का विषय दुनिया के नाना प्रकार, ग्राम्य वार्ता, ग्राम्य कथा, ग्राम्य गीत, ये सब ये हमारे इंद्रिय को विचलित कर देता है और हम विवश होकर उसमें आवेशित होकर के विषय चिंतन करने लगते हैं, विषय हमको अच्छा लगने लगता है, ये इंद्रिय के प्रति हमारे जो आवेश है। तो शब्दादि विषय से दूर रहना चाहिए, कर्ण का विषय, आँख के विषय, दृश्य माने जागतिक रंग तमाशा आदि देखना, इस विषय में आँख को, इंद्रियों को तुम संयमित करने का चेष्टा करना चाहिए। फिर तुम्हारा जीवा के विषय, खाना पीना चटपटी जो वस्तु हमारे लिए उचित नहीं है, आहार संयम, इंद्रिय संयम, तो इंद्रिय जो आहार जो है हमारे जीवा को संयमित करने का चेष्टा। तप के विषय, स्पर्श सुख आस्वादन करना, अपने प्रियजन का स्पर्श, स्पर्श से आनंद होता है, अपने अलग अलग संपर्क अनुसार हम स्पर्श सुख आस्वादन करते हैं, तो उससे भी दूर रहना चाहिए। शब्दाधीन विषय त्यक्ता राग द्वेष बुद्ध, राग द्वेष से दूर रहना चाहिए। विविक्त सेवी, निर्जन स्थान, एकांत स्थान में रहना चाहिए। हम लोग पहले आलोचना कर चुके हैं इस विषय में, फिर भी थोड़ा सा दिग्दर्शन दे रहे हैं, यहाँ जो आए हैं सब थोड़ा सा अपने हृदय को पवित्र करने के लिए, किसी को ज्ञान देने के लिए नहीं, किसी को सुनाने के लिए नहीं, मैं तो अपने वाणी को पवित्र करने के लिए, तत्सहित इसको हम आलोचना करके अपने मन को शोधन करने के लिए मैं यहाँ बैठ करके आलोचना कर रहा हूँ। मैं किसी को उपदेश देना, ये तो हमारे को इतना अधिकार तो हमारे है नहीं, इतना गुण सामर्थ्य भी है नहीं, इतना अनुप्रवेश भी हमारा है नहीं, ये तो चित्त को शोधन करने के लिए थोड़ा सा आलोचना कर रहे हैं। विविक्त से भी एकांत स्थान में वास, साधक भजन करना चाहते हैं, अगर वो ज़्यादा लोक व्यवहार, ज़्यादा लोक व्यवहार में रहते हैं, सबसे मिलना जुलना, सबसे आदर सत्कार खातिर लौकिक व्यवहार, तो कभी उसका मन भगवत चरण में निश्चल होना कदापि संभव नहीं है। एकांत स्थान में उसको रहना ही पड़ेगा। तो आप बोलेंगे तो एकांत स्थान माने क्या, घर छोड़ छाड़ के हम जंगल चले जाएं? बोले जंगल में जाने से कुछ नहीं होता है, एकांतता माने एका अंत, तुम ही हो और कोई नहीं है, बस ऐसा होना चाहिए। जंगल में जाओ चाहे घर में रहो, घर में भी दरवाजा बंद करके एक कक्ष में तुम एकांत में बैठ करके भजन करो, वही एकांत होता है। एकांत माने जंगल नहीं, अभी जंगल है भी नहीं, जंगल में और ज़्यादा प्रपंच है, ऐसा नहीं है जंगल जाने से ही मन शांत हो जाएगा, गुहा में घुसने से ही मन शांत हो जाएगा, गुहा क्या करेगा, अरे मन को गुहा में घुसाना पड़ेगा, शरीर को गुहा में घुसाने से क्या होता है, मन शांत हो जाएगा, गुहा तुम्हारे मन को शांत निवृत्त कर देगा, गुहा में बैठे बैठे हम दुनिया की चिंता कर रहे हैं, ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, दुस्संग कोई तो आत्मवंचना, कृष्ण भक्ति बिना अन्य कामना,
हमारे चैतन्य चरितमृतकार कहते हैं, माने ये जो दुसंग है, कुसंग, सबसे बड़ा कुसंग कौन है? संग संबंध में हम लोग आलोचना कर चुके हैं, फिर भी थोड़ा सा जानना चाहिए, सबसे बड़ा दुसंग क्या है, दुष्ट संग क्या है? बाहरी संग ये संग नहीं, इतना हानिकारक नहीं। एक बाहरी संग, फिर भीतरी संग, हमारे घर में हमारे जो प्रियजन वो प्रेम करके हमारे मन को खींच लेते हैं, फंसा लेते हैं, संसार चक्र में ले जाते हैं, हम जान भी नहीं पाते हैं जो हमारे प्रियजन ये हमारे मन को खींच करके संसार चक्र में ले जा रहा है, हमको पता नहीं चलता है। हम कहते हैं हम तो बाहर किसी से मिलते नहीं, हम तो बाहर जाते नहीं, हम तो किसी रिश्तेदारी में जा, अरे वो छोड़ दो, वो संग उतना हानिकारक नहीं है। तुम्हारा घर में, घर में दुस्संग हो रहा, दुस्संग माने कृष्ण भक्ति बिना अन्य कामना। तुम्हारे जो प्रियजन जो तुमको प्रेम कर रहा है, जिसके प्रेम में फंस करके तुम भगवत चरण भूल करके उनमें अभिषित हो जा रहे हो, हैं, तो घर में जो हमारे जो प्रेम प्रीति ये बड़ा हानिकारक होता है। हम तो पहले ही कह चुके हैं तुमको कोई प्रेम करे प्यार करे उतना हानिकारक नहीं, तुमने किसी को प्यार किया तो मान लो विघातक हो जाएगा। इस हृदय में हमारे जुगल सरकार छोड़ करके, हमारे राधा रानी छोड़ करके किसी के प्रति किंचित मात्र प्रेम नहीं रहना चाहिए। हाँ, प्रेम दिखाओ, शो कराओ, अपने पुत्र परिवार जो भी है सब शो कराओ, लेकिन भीतर से जानना ये कोई किसी का नहीं। कश्य के पति पुत्राद्या मोह ये वही कारणम, शो कराओ, दिखाना नहीं, जब हम बड़ा त्यागी है, हम तुमसे प्यार नहीं करते हैं, घर में अनर्थ हो जाएगा, घर में जो मेंबर है उनके साथ तुम दूर रहते हो, बात नहीं करते हो, ऐसा नहीं। जानो जी हम नौकरी कर रहे हैं, विदेश में आए हैं, ये हम यहाँ हम नौकर हैं। मालिक बनने से बंधन दशा प्राप्त हो जाओगे, नौकर बन जाओ, प्रभु का मालिक बना करके वो नौकर बन के दृष्टा बन के देखते रहो, किसी से प्यार नहीं करना, ये बड़ा विघातक होता है। ये हृदय ये मन किसी को देना नहीं, एकमात्र ठाकुर जी को छोड़ करके कहीं थोड़ा सा भी आसक्त तो नहीं होना चाहिए। लौकिक दृश्यमान जागतिक वस्तु पदार्थ और कोई भी लौकिक जो भी व्यवहार है, कोई भी व्यक्ति के प्रति किंचित मात्र तुम्हारे प्रेम हो जाए तो कम हो जाएगा। वहाँ वहाँ तो 16 आना देना पड़ेगा, 1 आना कम होने से ठाकुर जी कहेंगे हम लेंगे नहीं। ठाकुर जी बड़ा स्वार्थी है, बड़ा स्वार्थी है, हम तो थोड़ा सा कंसीडर कर लेंगे, लेकिन ठाकुर जी बोले हम कंसीडर नहीं करेंगे, 16 आना हमको देना पड़ेगा, पूर्ण देना पड़ेगा, पूर्ण मन को तुमको देना पड़ेगा, है ना। इसे बोलो, महापुरुष किसी से प्रेम करते हैं या प्रेम से वार्ता करते हैं तो वो मन में बड़े प्रसन्न होते हैं कि हमें जो है किसी महापुरुष की बड़ी कृपा हुई है, और जिन्हें वो नहीं करते हैं, बातचीत करने का देश काल परिस्थिति अनुसार नहीं करने का कोई बात नहीं हो पाती है, किसी किसी साधक से कोई वंचित रह जाते तो मन में दुख पाते हैं, मन में थोड़ा कुंठा रहती है कि हम जो है बाबा के संपर्क में या बातचीत नहीं कर पाए। तो क्या जिनसे बात हुई है उनको वास्तविक मन में हर्षोल्लासित होना चाहिए, और जिनसे नहीं हुई है वो अपने मन में व्यथित हों, क्या ये उचित है? ना ना, व्यथित तो होना नहीं चाहिए। महापुरुष और जो साधु संत हैं, जो संपर्क में आने का मौका मिल गया, कहीं उनका सान्निध्य प्राप्त होने का मौका मिल गया तो अच्छा है, लेकिन नहीं हो पाया तो ऐसा नहीं कि हम वंचित हैं, हमारे प्रति उनकी कृपा है नहीं, ऐसा नहीं। कृपा में कोई पक्षपात है नहीं, संत कृपा, महत कृपा, गुरु कृपा, भगवत कृपा, इसमें कोई पक्षपात दोष दुष्ट नहीं होता है, कोई पक्षपात नहीं रहता है, ये हमारे भ्रम है, भूल है, वहाँ कोई पक्षपात। पक्षपात तो हम जैसे साधु का होता है, जो पहुँचे नहीं हैं, हम जैसे साधु के लिए जो कुछ देते हैं, कहीं कुछ स्वार्थ है, उनसे तो खूब प्रेम दिखाते हैं और जो है उनसे दूर रहते हैं, लेकिन नहीं, संत जो संत हैं, जो महापुरुष हैं, जो पहुँचे हुए संत हैं,
वहाँ पक्षपात नहीं होता है। संत अनपेक्षा मच्चित्त प्रशांत समदर्शीन निर्मम निरहंकार निर्दन दानिश परिग्रह। ये संत है, संत अनपेक्षा किसी का अपेक्षा नहीं है, एकमात्र भगवत अपेक्षा मच्चित्ता, संत अनपेक्षा मच्चित्त प्रशांता, शांत स्वभाव, समदर्शी, सबके प्रति समभाव, समभाव होना चाहिए। हमारे समभाव थोड़ी है, हमारे अंदर से भेद बुद्धि है, ये अच्छा है, ये बेकार है, ये तो इसमें ये गुण है, उसमें तो गुण नहीं है, ये तो दुष्ट है, ये भेद बुद्धि, ऐसा नहीं होना चाहिए। शांत प्रशांता समदर्शी, सब में प्रभु है जान करके किसी का दोष दिखना नहीं चाहिए। दुष्मय संसार है, ये किसका दोष दिखेंगे, दोष देखो तो अपना, गुण देखो तो दूसरा का। अपने अंदर कितना दोष है, बड़ा है, अगर तुम दोष दिखना चाहते हो तो अपना दोष देखो। इसलिए ऐसे नहीं होता है, संतों की कृपा में कोई पक्षपात दोष नहीं आता है ना, तो ठीक है। तो एकांत स्थान, घर में ही एकांत हो सकते हो, घर में तुमको अभी तो जंगल है नहीं, इसलिए घर में कहीं तुम जहाँ रहते हो वहीं एकांत हो जाओ, माने किसी से व्यवहार शून्य हो जाओ, बस लेना ना देना मगन रहना, दुनिया का मेला मैं हूँ अकेला, बस ये दो मंत्र सीख लो, दो मंत्र जीवन में आरोप करना। तो यह है विविक्त से भी, तो जो कह रहे थे वो प्रश्न आया है, बोलते दुस्संग कही है कोई तब आत्मवंचना, एक तो बाहरी संग, एक है भीतरी संग, हमारे घर का जो हमारे मेंबर्स हैं, ये प्रेम करके हमारे मन को, छोटा सा बच्चा आपका मन को खींच करके भगवत चरण से हटा करके संसार चक्र में ले जाने में समर्थ है, छोटा सा एक अबोध बच्चा, ख्याल रखना। क्या समझते हो, इतना सहज थोड़ी है, एक छोटा सा बच्चा तुम्हारा मन को खींच करके भगवत चरण से हटा करके संसार में ले जाएगा, सावधान होकर व्यवहार करना। भगवान देखते ही नहीं पाप ताप अपराध, सुनिए भगवान, ये पाप ताप ये सब झूठा बात है, भगवान वहाँ मायातीत गुणातीत इंद्रियातीत लोकातीत है, वो तो उनका ही माया है ना, ये माया सृष्टि तो उनका है, वही तो माया सृष्टि करके जीव जगत में अनुप्रविष्ट हो करके संसार में एक शरीरधारी बन करके खेल रहे हैं, उन्हीं का ही सत्ता है। भगवान ये देखते ही नहीं, वहाँ प्रवेश होता ही नहीं, कौन पापी है, कौन तापी है, कौन अभिचारी व्यभिचारी कुभिचारी, ये भगवान देखते ही नहीं। ओपी चेत सुदुराचरो भजते माम अनन्य भाग साधुर सम्मंतव्य सम्मक भवति ईश क्षिप्रंग भवति धर्मात्मा सशच्छन्ति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानहि न मे भक्त प्रणश। ये यहाँ प्रश्न हुआ चलता नहीं है, जिस समय कितने भी पापाचारी हो भगवत चरण में समर्पित हो जाते हैं, प्रभु हम तुम्हारे शरणागत हैं, तुम हमको कृपा करके तुम्हारे चरण सान्निध्य में हमको ले चलो, हमारे समस्त पाप को तुम क्षमा कर दो, भगवान क्या कहते, अहं त्वं सर्व पापेभ्य मोक्षयिष्यामि मार तुझो, हम तुमको समस्त पाप से मुक्त कर देंगे, तुम चिंता नहीं करना। ये शब्द तो आता नहीं है, हम पापी हैं, पाप तो हैं, ठीक है पापी है, बहुत ठीक है पापी है, अभी भी है और पापी और पाप करेंगे, तुमको संभालना पड़ेगा, हम तुम्हारे शरणागत हैं, हम जब शरणागत हो गए हैं आप प्रभु तुमको संभालना पड़ेगा, हमारे संस्कार है, देखो हम ये संस्कार है, क्या करूं, कहां ले जाऊं, हम शायद ये नहीं, हम वचन भी दे नहीं सकते हैं प्रभु, जो तुम्हारे शरणागत हो गए हैं अब हमसे भूल होगा नहीं, भूल और होगा, तुमको संभालना पड़ेगा, हम तुम्हारे हैं, ऐसे हैं, इतना थोड़ी छोड़ सकते हैं। भगवान अति दुराचारी व्यक्ति भी मेरे शरण में आता है उसको साधु समझना, अर्जुन तुम प्रतिज्ञा करके कह सकते हो मेरे शरण में जो आया है वो कभी नष्ट नहीं होता है, हम उसको नष्ट होने नहीं देते। तो दुस्संग कहिए कोई तो, ये तो गया आपका घर का जो संग है, ये तो बाहरी संग से ज्यादा खतरनाक है, हम बाहरी लोगों से मिलते जुलते नहीं है, कहीं जाते नहीं है, हम तो कहीं संग में, ये नहीं भ्रम में मत पड़ना, तुम्हारे घर में ही तुमको माया में फंसा के रख दिया है, तुम्हारे पुत्र, तुम्हारे कन्या, तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारे छोटा सा बच्चा, पोता पोती, एक छोटा सा पोता,
मन को हरण करके ले जाएगा, भगवत चरण से हटा देगा। उससे भी खतरनाक है हमारे भीतर दुस्संग, कोई है कोई तो आत्मवंचना, आत्मवंचनाकारी दुस्संग के द्वारा मन प्रभावित होता है। मन प्रभावित होने से फिर उस मन में विषय विषय के प्रति आवेश, विषय चिंतन शुरू हो जाता है। यही तो कारण है ना, अगर मन में विषय के प्रति हमारे आवेश नहीं हुआ, उनके संग से हमारे भीतर कोई विषय का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, तो संग से क्या दोष है ना। संग से मन प्रभावित तो होता है, इसलिए तो संग दोष ना। तो कहते हैं उससे भी बड़ा संग दोष है तुम्हारे भीतर, तुम्हारा मन में ही तो तुम संग कर रहे हो। मन में हम भोग करते हैं, बाहर में भोग पदार्थ जहां जहां हमारे मन की आवेश है वह मन में हम चिंतन करके मन के द्वारा विषय कानन में भ्रमण करते हैं, कोई जानता नहीं है हम क्या करते हैं। बोलते हैं दुस्संग तो तुम्हारे भीतर है, सबसे बड़ा दुस्संग सबका नहीं। अगर सोचे कोई जो ये हमारे प्रति कटाक्ष, ऐसे नहीं है, मैं तो अपनी बात कह रहा हूं। मन ऐसे दुस्संग हमारे भीतर चल रहा है, उससे मुक्त हो जाओ। पहले संग दोष छोड़ दो, बड़ी बड़ी बात, पहले अपने भीतर जो दुस्संग चल रहा है, विषय के प्रति आवेश, विषय चिंतन, मन में संकल्प विकल्प, मन में इस तरह से हम संभोग करते हैं मन के द्वारा, मन ही मन में कौन दिखता है। तो इसीलिए कहते हैं जो दुस्संग कोई है कोई तब आत्मवंचना, कृष्ण भक्ति बिना अन्य कामना, कृष्ण भक्ति छोड़कर का दूसरा जो कामना है ये सबसे बड़ा दुस्संग है, दुष्टसंग है ना। बहुत हिसाब करके अपने अंतर जगत को इस तरह से विचार करना चाहिए, हमारा मन कहाँ कहाँ भागता है, कहाँ कहाँ कौन सा वस्तु हमारे मन को खींच रहा है, ऐसे है ना। तो विविक्त सेवी एकांत स्थान में वास, लघ्घा से लघु से अल्प आहार, जो मिल गया खा लिया ऐसे नहीं, शुद्ध आहार और परिमित आहार, लघु अशी माने अल्प आहार, साधक के लिए अल्प आहार होना जरूरी है, पेट भर के ज़्यादा नहीं खाना चाहिए तो भजन होगा नहीं, और शुद्ध भी होना चाहिए। जदबक मानुष ध्यान जुग पड़ा नित्यंग वैराग्यंग संपस्थित, ध्यान जुग पड़ा हर समय भगवत चिंतन होना चाहिए, चिंतन के द्वारा ही तो हमारे स्वभाव का परिवर्तन होता है। हमारे स्वभाव क्यों है, हमारे स्वभाव कैसे हैं, जैसे चिंतन करते हैं तदनुसार हमारे धीरे 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 हमारा स्वभाव बनता जाता है। अच्छा चिंतन करते हैं तो मन धीरे धीरे अच्छा हो जाता है हमारे संस्कार, खराब चिंतन करते हैं धीरे धीरे हमारा स्वभाव भी खराब होता जाता है ना। इसलिए चिंतन ध्यायते विषण पुंक्ष संघास्त सुपजायते, संघात संजायते कामा, कामात क्रोध हो भी जायते, क्रोध तो भवती सन्मोहा, सन्मोहा स्थिति विभ्रम, स्थिति भ्रंशक बुद्धिनाश, बुद्धिनाशक प्रमश्यति। पहले तो चिंतन होता है, चिंतन से कामना, कामना से क्रोध, क्रोध से मोह, मोह से स्थिति भंश, स्थिति भंश से बुद्धिनाश, बुद्धिनाश से विनाश। तो चिंतन इतना खतरनाक है, इसीलिए ध्यान जुग पड़ा हर समय भगवत चिंतन करना चाहिए, और कोई विषय चिंतन नहीं करना चाहिए। ये चिंतन है भजन का प्राण। अनन्न चेता जो मांग शरति निश्चय तस्यां सुलभ पार्थ नित्य युक्त योगिना। अनन्न चेता, दूसरा चिंता रोहित होकर के, अनन्न माने और कोई चिंता नहीं, ना अन्न चिंता, अनन्न ना अन्न, ना अन्न चिंता, इसको कहते हैं अनन्न चिंता, दूसरा कोई चिंता वर्जित, एकमात्र भगवत चिंतन हर समय, नाम रूप गुण लीला चार प्रकार चिंतन होता है। अगर कोई चिंतन नहीं होता है, लीला चिंतन आदि नहीं होता है, तो नाम चिंतन करो, नाम के तरफ ध्यान ला करके नाम सरार संपूर्ण भगवान, नाम नामी अभिन्न, इसलिए नाम चिंतन करने से भी भगवत चिंतन ही माना जाएगा। किसी का कोई चिंतन होता नहीं, लीला चिंतन होता नहीं, और उतना मन एक निविष्ट होता नहीं है, उस स्थिति में
नाम चिंतन करना, नाम के तरफ ध्यान रख करके भजन करने से भी वो चिंतन माना जाएगा। ऐसा नहीं तो चिंतन होता नहीं, ऐसा नहीं है। तो गीता में कहे थे अनन्य चेता जो मांग शरति नित्य स तस्यंग सुलभ पर्त नित्य युक्त सुलभिका। जो हर समय हमारे चिंतन करते हैं बहुत सुलभ माने बहुत सहज वो हमको प्राप्त करने में समर्थ होता है साधक चिंतन के द्वारा। चिंतन है साधन का प्राण। भजन कर रहे हैं, साधन कर रहे हैं, चिंतन होता नहीं तो प्राणहीन भजन। चिंतन है साधन शरण प्राण मधुर मधुर धाम जुगल विलास स्थिति सार साध साधन यह बोई आर नाई यही विधि सर्वविधि सार। साधन शरण प्राण, साधन शरणांग जो यह प्राण केंद्र है। मधुर मधुर धाम वृंदावन धाम राधा कृष्ण जुगल विराजमान है। हमारी जो वृंदावनी उपासना पद्धति ये माधुर्य यहाँ जाना, इधर जाना, यहाँ जाओ, यहाँ जाना। हमारे जो वृंदावनी उपासना पद्धति ये चिंतन तो लीला चिंतन प्रधान है ना। तो गुरुदेव आदेश करते हैं इसे लीला चिंतन करना। दिव्य वृंदारण्य निकुंज भवन ऐसे मन में चिंतन करना चाहिए। जो रस उपासक हैं, जुगल उपासक हैं, विशेष करके जो मंदिर साधन उपासना प्राप्त करके जो वो स्वरूप प्राप्त करना चाहते हैं, निकुंज सेवा प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए ये निकुंज सेवा ये चिंतन करना बहुत जरूरी है। साधन शरण प्राण मधुर मधुर धाम जुगल विलास स्थिति सार, जुगल विलास चिंतन। वृंदावन में मन में कल्पना करना चाहिए जो वृंदावन सरड़ित वन दिव्य पुष्प लता गुल्म आदि परिवेष्टित दिव्याति दिव्य लता पुंज आदि परिवेष्टित एक मुनिमय मंदिर नाना मुनियों से बनी हुई एक सुंदर निकुंज भवन चिंतन करना चाहिए। सुंदर सरोवर है, सुंदर नील पानी उसमें राजहंस विचरण कर रहे हैं, मणिमय वेदी चारों ओर मोर नृत्य कर रहे हैं। उस निकुंज भवन में रत्न सिंहासन में रत्न वेदी में जुगल किशोर विराजमान है और साधक जो है अपने को एक मंजरी स्वरूप एक राधा रानी की एक सहचरी स्वरूप चिंतन के साथ उनकी सेवा चिंतन करें। चारों ओर सखियाँ परिवेष्टित है, ललित अभिषेक चित्रायंदुलेखा चंपकलता रंग देवी तुंग विद्याशु देवी आदि राधा रानी की प्रधाना सखी मंजरी आदि सब विराजमान है। ऐसे चिंतन करने का प्रयत्न करना चाहिए, चेष्टा ऐसे चिंतन करना चाहिए प्रथम अवस्था में। चिंतन दुर्पकार, एक श्रोतवत एक हृदवत। हृदवत माने जैसे स्थिर जल स्थिर पानी एक ह्रद है ना, स्थिर एक सरोवर है पानी स्थिर है, और एक पानी है श्रोतवत जैसे गंगा नदी के धारा बह रही है, यह है चलो चलिए चलो मन स्रोतवत स्रोत चल रही है। तो ऐसे ही लीला चिंतन भी दो प्रकार, एक हृदवत माने सिर्फ एक निकुंज भवन में राधा कृष्ण विराजमान उस समय अष्ट जाम राधा रानी की सेवा जुगल किशोर की सेवा ये भी गुरु श्रीमुख से ये सेवा संबंध में थोड़ा सा जानकारी करके फिर चिंतन करने का प्रयत्न करना चाहिए। यह हृदवत चिंतन। आज श्रुतवत चिंतन है जैसे प्रातः काल उठ करके ऐसी राधा रानी जाती हैं जाबट में वहाँ से फिर जाते हैं सूर्य पूजा के लिए वहाँ से जाते हैं राधा कुंड में मिलन होती है, मिलन के बाद वन भ्रमण आदि वन भ्रमण के बाद फिर राधा रानी लौटते हैं। ये सब यह श्रुतवत श्रुतवत लीला शरण पद्धति जो है थोड़ा कठिन है, इसके लिए समय सापेक्ष है,
समय भी चाहिए, ऐसा नहीं समय नहीं है तो हम कब चिंतन करेंगे, है ना। और रदवत चिंतन जो है ये आप रसोई करते करते भी चिंतन कर सकते हैं। जुगल किशोर विराजमान है उनके झांकी दर्शन कर रहे हैं, आप रसोई भी कर रहे हैं, घर गृह सन्मार्जन कर रहे हैं, लेकिन स्वतवत जो चिंतन है वो सहज नहीं है, उसके लिए एकांतता जरूरी है। क्या ये विवशता, इससे हम कैसे मुक्त हो सकते हैं, है? ये प्रश्न चिन्ह आता है ना, एक विवशता हमारा मन खींच लेता है, ऐसे कोई आपत्ति विपत्ति कुछ हो गया जो हमको विवश करके हमको उस चिंतन करने में मजबूर कर देता है, तो मैं क्या करूं। तो समझना चाहिए जो भगवत इच्छा हो रही है, हैं, ये भगवत इच्छा है, ये चिंता करके हमसे कुछ होना संभव नहीं है, तो इस विषय उदासीन होना चाहिए, जो होगा प्रभु की इच्छा जान करके उस विषय चिंतन मत करो, ये संसार है ऐसे होगा, आधी व्याधि उपाधि दुख दन्न ये सब होगा, ये संसार है, अगर उसमें तुम उलझ जाओगे वो अपना फर्ज जान करके अपना कर्म जान करके तुम अगर उसमें उलझ जाओगे तो चिंतन करना संभव नहीं। चिंतन करने के लिए तुमको मानना पड़ेगा जो भी हो रही है प्रभु की इच्छा, जो हुई है प्रभु की इच्छा, जो होगी प्रभु की इच्छा, बस ये जान करके तुम निश्चिंत रहो। छोटा बच्चा देखो कोई चिंता नहीं, चिंता ना होने का कारण आनंद से घर में घूम रहा है, खेल रहा है, घर में कितना अशांति कलह हो, कितना अशांति घर में हर संसार में होता है, बच्चा का कोई चिंता ही नहीं, खाने दो, खाया फिर खेलने चला गया, फिर आया सो गया, निश्चिंतता क्यों ना, वो करता नहीं है इसलिए वो निश्चिंत है। जिस दिन वो बड़ा हो जाता है, उसको तृप्तपन आ जाता है, फिर वो चिंतित हो जाता है, फिर दुखी हो जाता है ना। निश्चिंतता के लिए तुमको चिंतन करना पड़ेगा, ये प्रभु की इच्छा जो हो रही है होगी। ईश्वर सर्वभूतरंग रिद्धि से अर्जुन तिष्ठते ब्रह्मयान सर्वभूतानि जंतरूढानि मायाया, भगवान सबके हृदय में रह करके जंतरूढ़ पुतला जैसे सब नचा रहे हैं, ये नाचेगा, तुम कुछ करने वाले नहीं हो, तुम देखते रहो, दृष्टा बन जाओ तो जगह निश्चिंत हो जाओगे, कर्ता बन जाओगे तो चिंता से मुक्त होना संभव नहीं। चिंता के कारण है हमारे कर्तृत्वपन, हमारे कर्तृत्वपन के कारण ही हम चिंतित हो जाते हैं, पुत्र का ये हुआ, कन्या का ये हुआ, ना ना होता है ऐसे संसार में, ये हुआ पैसा कौड़ी आदि विषय संपत्ति हजारों दुनिया प्रकार समस्या, तो उस चिंता का मूल कारण है कर्तृत्वपन। कर्तृत्वपन हटाओ, जो हो रहा होने दो, जल रहा है जलने दो, ऐसे भावना लेकर के अगर तुम समर्पित होकर भजन करोगे तो कोई चिंता नहीं, और कर्ता बन जाओगे, हमको ये करना है ये करना है ये करना है, ये नहीं हुआ नहीं वो हुआ नहीं वो हुआ नहीं, तो तुम फंस जाओगे, अवश्य फंस जाओगे, फिर जब चिंता से मुक्त होना संभव नहीं है। लाख प्रयत्न करो उस चिंता से मुक्त होकर के तुम भगवत चिंतन में एक तल्ली न तन्मयता, ये संभव नहीं है, ये सत्य है, मानो या ना मानो तुम्हारा मामला है। और चिंतन से हमारा मुक्ति नहीं, भगवत चिंतन कब करेंगे, उसका मूल कारण क्या है अनुसंधान करो, जो क्या कारण है, कारण है कर्तृत्वपन, मैं करता हूँ, करता अहम इति मन्यते, प्रभु करता है तुम दास हो, हमारे द्वारा कर्म करा रहे हैं, हम कर्म का करता नहीं, आया तो हर्ष नहीं गया तो विषाद नहीं, जदृच्छलाभ संतुष्ट दंधादित विमर्शन सिद्ध असिद्ध कृत्य अपि न निबद्धते। कुछ चोटें संसार में रहते रहते ऐसी आती हैं, मुरारी गोसाई जी 3-4 दिन पहले मंदिर में मिले थे, तो स्वयं की बातें बता रहे थे कि अब जो है बच्चा भी अपने काम काज पर ठीक लग गए और संसार में सब सुखी सब कुछ हो रहा है, मैं भी अपना मंदिर आता हूँ जाता हूँ और अपने भजन वजन भी करता हूँ, और आज एक ऐसा अघटन हुआ कि उनका जो पौत्र जो था वो जवान गुजर गया गुजर गया
तो आज बड़ी जोर जोर से वो रो रहे थे। ये तो होगा, कोई मेरा है इसलिए रोना, रोना क्यों, वो मेरा पुत्र है इसलिए रोना, मेरा नहीं तो रोना भी बंद। एक भावना, ये माया क्या है, एक भावना, आरोप प्रत्यारोप मात्र, वास्तव सत्य था इसमें है नहीं। जब आरोप हो गया मेरा पुत्र हो तो तुमको उसका सुख से सुखी, दुख से दुखी हो जाओगे। मेरा नहीं, दुख खत्म। एक दृष्टांत तो है, दो मैया जा रही है पानी भरने के लिए, पक्की सड़क से कहीं जा रहे हैं कुआं में पानी भरने के लिए, रास्ते में बच्चा एक्सीडेंट होकर मर गया है, बहुत सारे लोग घेरे हुए हैं, बच्चा कपड़ा से ढका हुआ है, हैं अरे अरे किसका बच्चा मर गया, किसी एक्सीडेंट होकर रास्ते में किसका बच्चा मर गया, किसका बच्चा मर गया। और दो मैया तो जा रही है, वो भी कहते कहते जा रही है उसी काम के, अरे भाई किसका बच्चा मर गया, किसका बच्चा मर गया, मर गया मर गया, किसका बच्चा, हाय 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 हाय, इतना छोटा बच्चा, माँ का ना जाने क्या दशा है, कैसे रो रही है, ये छोटा बच्चा मर गया। इतने में एक जन उधर से आ रहा था, वो कहते हैं ए गोपाल के माँ, तुम कहाँ जा रही हो, कहाँ जा रही हो, तुम्हारा गोपाल एक्सीडेंट होकर मर गया, वो जो मरा हुआ है तो तुम्हारा बच्चा, गोपाल मर गया, तुम कहाँ जा रही हो, मेरा बच्चा, अरे हाँ तुम्हारे बच्चा था एक्सीडेंट होकर मर गया है, बस मेरा बच्चा, चपटा फेंक दिया, हा मेरे गोपाल, ओ मेरे गोपाल, बोल करके भक्ति भक्ति उन्माद जैसे, अरे मेरा गोपाल मर गया, मेरा गोपाल मर गया। उधर से ऐसे भक्ति भक्ति जा रही है, उधर से एक आदमी ऐसे आ रहे हैं, अरे अरे बावड़ी तुम रो रही हो, क्या बात है, अरे मेरा गोपाल मर गया, अरे मेरा गोपाल, कौन ने कहा तुम्हारा गोपाल मर गया, तुम्हारे गोपाल नहीं, वो तुम्हारे पड़ोसी एक नाय है, उसका बच्चा का नाम भी गोपाल है, वो मर गया, तुम्हारे गोपाल खेल रहा है, हम देख के आए हैं, वो भी गोपाल है, लेकिन तुम्हारे पड़ोसी जो एक नाय है ना, उसका बेटा मर गया है, तुम्हारे बच्चा मरा नहीं, हम तुम्हारे से खेल रहा है, तुम बावड़ी कहीं जा, हमारे गोपाल नहीं। अच्छा एक बताइए, वो बच्चा ढका हुआ है, देखा नहीं कौन है जा रही है, किसका बच्चा मर गया, किसी के बात से आरोप हो गया, जो बच्चा मेरा है गोपाल मर गया, देखा नहीं मेरा बच्चा है कि किसका बच्चा है, ना पत्थर है ना ऐसा ही कपड़ा है, हाँ मेरा गोपाल मर गया, आरोप आरोप हो गया, मेरा बच्चा मर गया, देखो चिंता करो, मेरा एक आरोप मात्र, मेरा बच्चा मर गया, मेरा बच्चा मर गया। फिर एक जन कहा तुम्हारे बच्चा नहीं, मन से आरोप हट गया, वो बच्चा मेरा नहीं, रोना बंद, देखा नहीं, पहले देखा नहीं, बीच में देखा नहीं, आखिर में भी देखा नहीं, ऐसे ही था, ये नाटक क्यों हुआ, क्या बात है, आरोप और प्रत्यारोप, ये संसार भी एक आरोप प्रत्यारोप है, इसका सत्यता है नहीं, आत्मा आत्मा से इसका कोई संबंध पहले था नहीं, अभी है नहीं, पीछे रहेगा नहीं, हम रख नहीं सकते हैं, ये सत्य है, मानो ना मानो तुम्हारा मामला, अपना मानने का कारण, अपना मान लिया कि आरोप हो गया, इस कारण तुम कष्ट पा रहे हो, उनके सुख से सुखी, दुख से दुखी, मर गया तो दुखी है, कुछ हो गया तो दुखी हो, ऐसे है ये संसार, एक आरोप प्रत्यारोप मात्र, वास्तव में इसका कोई सत्यता है ही नहीं, ये है माया, ये है माया। तो ये संसार एक माया है, तो मन को भगवत चरण में संलग्न करने के लिए साधक को पहले तो कर्तृत्वपन छोड़ना पड़ेगा, और ये आरोप प्रत्यारोप बड़ी विशेष विचार के द्वारा मन को समझा बुझा करके, जो इससे हमारा संबंध था नहीं है नहीं, इवन अपने स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार छोड़ो, जिस शरीर में जिस घट में तुम निवास कर रहे हो, ये भी धोखा है, ये भी तुम नहीं हो, ये शरीर तुम नहीं हो, ना शरीर तुम्हारा है, इस घट में तुम रह रहे हो, इसमें तदात्मता के कारण तुम शरीर धर्मी होकर के शरीर को मान रहे हो, मैं हूँ, शरीर का परिवर्तन से तुम अपना परिवर्तन मान रहे हो, मैं बच्चा हूँ, मैं जवान हूँ, मैं वृद्ध हूँ, शरीर का परिवर्तन, मैं रुग्ण हूँ, मैं दुखी हूँ, कुछ नहीं, इससे तुम्हारा संबंध था नहीं, है नहीं, होगा नहीं, होता नहीं, हो नहीं सकता, ये सत्य है, सत्य है, मानो ना मानो तुम्हारे मामला, मान लिया तो जान लिया, नहीं माना तो जाना नहीं, जानने के लिए तुमको मानना पड़ेगा,
इसीलिए मन को तुम अगर भगवत चरण में संलग्न करना चाहते हो तो तुमको ये कुत्सितपन हटाना पड़ेगा, विचार करके इस मन को हटा करके भगवत चरण में लगन का चेष्टा करना पड़ेगा। अच्छा फिर काल चलेंगे, अभी तो आगे चलेंगे थोड़ा। जय जय श्री राधे नीताय। मेरा गौरी ठाकुर नाथ मंदिर के सबसे वात्सल्य और दूसरी रश्मि जिसका श्रद्धा है तो वो भी क्या हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता है?